हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो हम आज बात करेंगे श्री गणेश बायोटेक लिमिटेड शेयर के बारे में। जो टारगेट्स मैंने आपको दिए थे फ्रेंड्स, वो अचीव हो गए हैं। आज का करंट प्राइस है 1.91 एंड -2.55% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स, आज निफ्टी भी नेगेटिव परफॉर्म कर रही थी, तो ऑलमोस्ट आज बहुत सारे शेयर्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। सो फ्रेंड्स, बायोटेक्नोलॉजी से बिलोंग करता है एक पेनी स्टॉक है। अभी आपको 2 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है और आगे क्या टारगेट्स आप इसमें देख सकते हैं। 52 वीक हाई इसका 11 रुपीज़ के आसपास है एंड बहुत दूर है ये अपने 52 वीक हाई से अभी। एंड 52 वीक लो है इसका 1.89, तो आप देखिए अपने लो के ही नियर है। तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी भी बनती है, बट फंडामेंटल चेक करने बहुत ज़रूरी हैं। टर्नओवर है 1.20 करोड़ का, मार्केट कैप बहुत कम है 76 करोड़। तो फ्रेंड्स, रिस्की भी है शेयर बिकॉज मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा कम है। फंडामेंटल्स में अगर देखिए, आरओई पॉजिटिव है, ये अच्छी चीज़ है। ईपीएस भी पॉजिटिव है एंड फ्रेंड्स पीई भी 19 है, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा अच्छा रिटर्न तो देखने को ज़रूर मिल सकता है। बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर से बिलोंग करता है ये शेयर एंड पेनी स्टॉक्स में आपको हमेशा उतना इन्वेस्टमेंट करना है जितना आप ले सकते हैं रिस्क, और उससे ज़्यादा कभी भी नहीं करना। लास्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट इनकी 5th of September को आई थी एनुअल रिपोर्ट के रिगार्डिंग एंड फ्रेंड्स इनकी एनुअल जर्नल मीटिंग भी होने वाली है, वो होगी 27 September ट्यूसडे को। तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि इनकी एनुअल जर्नल मीटिंग कब होने वाली है। अगर जाने कि एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो यस, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। 1.15 करोड़ का प्रॉफिट इनका जून क्वार्टर में आया है एंड मार्च में इनका 1.04 करोड़ का प्रॉफिट आया है, तो एक कंसिस्टेंस प्रॉफिट बना रही है। एंड नेक्स्ट क्वार्टर में अगर इनका रिजल्ट और अच्छा आता है या इनका प्रॉफिट डबल होता है, तो शेयर प्राइस आपके प्रिंसिपल अमाउंट को तो डबल कर ही सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक बार डिस्कस करेंगे बिकॉज पेनी स्टॉक में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है कि कोई भी प्रमोटर नहीं है शेयर में, 100% होल्डिंग पब्लिक की है। सो ये एक नेगेटिव चीज़ है। नेक्स्ट टारगेट आप फ्रेंड्स इसमें लेके चलिए 1.85 का लोअर साइड में एंड 1.95 का अपर साइड में। चांसेस हैं कि ये 1.85 तक जाएगा बिकॉज मार्केट में अभी थोड़ा सा करेक्शन ही चल रहा है। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आप नेक्स्ट किसी भी शेयर के टारगेट जानना चाहते हैं, फॉर द नेक्स्ट टारगेट एंड फॉर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।